अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन हांडी, और उसके लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की मुझे ज़रूरत होगी वो ये हैं। चिकन लिया हुआ है बोनलेस, एक चिकन का मैंने ब्रेस्ट ले लिया है और ये तकरीबन हाफ केजी का है, और उसकी सिंपल मैंने क्यूब्स कटवा के रख लिए हैं। डेसिकेटेड कोकोनट है 2 टेबल स्पून, और यहाँ पर मैंने घी लिया हुआ है, और आप इसमें देसी घी भी ले सकते हैं, मक्खन भी ले सकते हैं 3 टेबल स्पून के करीब। यहाँ पर मैंने 4 से 5 काजू ले लिए हैं, और बादाम ले लिए हैं 4 से 5, और 4 पिस्ते ले लिए हैं। इसका पेस्ट बनेगा, वो भी इसमें ऐड होगा बाद में। हरी मिर्चें हैं 2 गार्निशिंग के लिए, बाद में एंड में 1 से 2 हरी मिर्चें मैंने कट करके रख ली हैं। जिंजर है, ये भी गार्निशिंग के लिए एंड में डलेगा। क्रीम है, ये 1.5 कप के करीब क्रीम है, ये भी जाएगा। 7-8 क्लॉफ है गार्लिक के, और इसको मैंने नॉर्मल छोटा कट करके रख लिया है। 2 नॉर्मल साइज़ के टमाटर हैं, इसको भी मैंने कट करके रख लिया है। 1 नॉर्मल साइज़ की प्याज है, इसको भी नॉर्मल हमने कट करके रख लिया है। दही है, ये 1/2 कप के करीब दही है, और ये फेंटा हुआ दही है गाढ़ा वाला। ड्राई मसालों में कसूरी मेथी है 1.5 टीस्पून के करीब है, 1 टीस्पून ज़ीरा है सफ़ेद ज़ीरा, सॉल्ट है अकॉर्डिंग योर टेस्ट, हल्दी है 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला जो मेरा होममेड है ये भी तकरीबन 1 टीस्पून के करीब है। ये सब इंग्रेडिएंट्स जो क्वांटिटी है ये मैंने 1.5 केजी के करीब जो हम हांडी बोनलेस बना रहे थे चिकन उसके हिसाब से मैंने रखा हुआ है। अगर आप 1 केजी की या उससे ज़्यादा की क्वांटिटी में बनाते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इन मसालों की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। इसी हिसाब से ये 1/2 केजी के हिसाब से मैंने क्वांटिटी बताई दी है आपको, आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा अब सबसे पहले मैं काजू, बादाम और पिस्तों का और ये डेसिकेटेड कोकोनट को दोनों को मिला के एक पेस्ट बना लेंगे सिंपल, और उसके बाद में हम अपनी हांडी बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखें, मैंने हांडी को प्रीहीट कर लिया था क्योंकि आपको पता है ये गर्म देर से होती है, तो उसके बाद में अब इसमें घी डाल रही हूँ। अगर हम इसको गर्म नहीं करते हैं तो आपको पता है कि ये थोड़ी देर से गर्म होती है तो थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैंने इसको थोड़ी देर 5 मिनट पहले इसको जला दिया था। अब थोड़ा सा ये मेल्ट हो जाए हमारा घी, फिर मैं इसमें फ्राई करती हूँ प्याज अपनी। ऑयल हमारा, घी हमारा गर्म हो गया है अच्छे तरीके से, अब हम इसमें ये प्याज जो है इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे, उसके बाद फिर हम देखते हैं। अब ये देखें प्याज ब्राउन हो चुकी है, अब मैं इसको सिंपली निकाल दूँगी। ये गोल्डन ब्राउन हो चुकी है पूरी प्याज, मैं इसको निकाल दूँगी। अब ये मैं चिकन इसमें डाल रही हूँ, गार्लिक मैं इसमें डाल रही हूँ, टमाटर, और ये हमारे ड्राई मसाले जो थे सब मैं इसमें डाल रही हूँ। अब सिंपल मैं इसको भून रही हूँ, सारी चीज़ें मैंने इसमें ड्राई मसाले और टमाटर लहसुन डाल दिया है। अब इसको भूनेंगे कि टमाटर हमारे पेस्ट की शक्ल में आ जाए, और चिकन तो आपको पता है जल्दी गल जाता है, तकरीबन मसालों को भूनना है। 5 मिनट हो चुके हैं, ये हमारा मसाला देखें अच्छे तरीके से, मैंने टमाटर वगैरह पेस्ट बन चुका है। अब मैं ये प्याज ऐड कर रही हूँ उसके अंदर, और प्याज के साथ ये मैंने दही के अंदर बादाम, पिस्ते और काजू जो थे उनको पीस लिया है, और उसका देखें इस तरीके से मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। अब ये भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इसको थोड़ा सा मैं और भून रही हूँ 2-3 मिनट, क्योंकि आपको पता है हमारी चिकन जो है ये तो ऑलरेडी गल चुकी है, मसाले भून चुके हैं अच्छे तरीके से, बहुत जल्दी बन जाती है हांडी बोनलेस जो होती है। और चिकन ऑलमोस्ट हमारी बिल्कुल फुल कुक हो चुकी है। अब ये मैं इसमें हरी मिर्चें भी डाल रही हूँ, और ये मैंने जिंजर भी डाल दिए, कुछ बचा लिए गार्निशिंग के लिए। ये क्रीम अब मैं सबसे एंड में डालूँगी, 2-3 मिनट पकाऊँगी। अब ये हांडी हमारी रेडी हो गई है, मैंने चूल्हा बंद कर दिया है, और आप देखें कि ये जब तक थोड़ी सी ठंडी हो जाती है और पकना बंद हो जाएगी फिर मैं डिस्प्ले करके आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये हमारी हांडी बन गई है चिकन हांडी, और इसको मैंने डिश आउट कर दिया है, और अब आप देखें और कितनी सिर्फ 1/2 आवर के अंदर, ये आधे घंटे के अंदर बन चुकी है, और बहुत ईजी है। आप देखिए इसी रेसिपी से ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें,
और इसके अलावा मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और जब तक मैं कोई नेक्स्ट रेसिपी लेके आती हूँ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।